अपने सख्त फैसलों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर चर्चाओं में हैं। दरअसल सीएम योगी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में स्पीकर हटाओ अभियान शुरू करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। इसी के साथ सीएम योगी ने ये भी साफ कर दिया है कि इस अभियान की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और SSP की होगी। आपको बता दें कि सीएम योगी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक बार फिर लाउडस्पीकर हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। निर्देश दे दिया है अधिकारियों को कि वो मिल करके इसका कार्यभार संभाले। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्योहारों से पहले सभी जिलाधिकारी और SSP की समीक्षा बैठक ले रहे थे। दरअसल आने वाले दिनों में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहार आने हैं। इस दौरान सीएम योगी ने जिलाधिकारी और SSP अधिकारियों को धर्मस्थलों पर अनावश्यक लगे लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का फॉलोअप करते हुए लाउडस्पीकर की ध्वनि को पहले की तरह नियंत्रित कराया जाए। इस दौरान सीएम योगी ने इस अभियान की पूरी जिम्मेदारी DM और SSP को दे दी है। सीएम योगी ने कहा है कि बीते वर्षों में नियोजित प्रयासों से धर्मस्थलों पर अनावश्यक लगे लाउडस्पीकर उतारे गए थे। कुछ क्षेत्रों में उनके फिर से लगने और तेज आवाज की सूचना मिल रही है। एयर कंडीशनर कमरों में बैठे रहने वाले अधिकारियों के कानों में उनकी आवाज नहीं जाती। सुनिश्चित किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। लाउडस्पीकर की ध्वनि को पूर्व की भांति नियंत्रित किया जाए। ऐसी गतिविधियों पर भी पुलिस कप्तान की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बीट सिपाही से लेकर हल्का इंचार्ज से लेकर SP तक सड़क पर उतरे। त्योहारों के दिनों में कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से सतर्क रहे।